अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे जूसर में अंडे का मिक्सचर और माइक्रोवेव ओवन में उसको बनाकर दिखाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। एक अंडा लिया हमने, आधा कप चीनी ली, 1 टीस्पून लिया हमने वनीला एसेंस। उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह जब तक चीनी नहीं मिक्स हो जाती। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, या आप कोई भी, ये मेरी चम्मच गंदी हुई है, ये मैंने फॉन्डेंट वाली यूज़ कर ली थी। एनीवेज हमने उसके बाद क्या करना है, इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब तक चीनी नहीं सही तरह मिक्स हो जाती तब तक करेंगे। हमने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ है, बेकिंग सोडा अलग। आधा कप से भी कम, 1/4 कप हमने इसमें दूध शामिल किया है। 1 चम्मच शामिल किया है इसमें हमने बेकिंग पाउडर, और इसे भी हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। वो कर चुके हैं। उसके बाद ये जब हमने मैदा डालना है तो इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि ये बीच में हल हो जाए। जिस तरह झाग वगैरह बनने लग जाती है हमने वो नहीं बनानी, सिर्फ हमने लाइटली सा इसे ग्राइंड करना है, 1-2 दफ़ा ही के बस मिक्स हो जाए अच्छी तरह। फिर हमने वो बाउल को ग्रीस कर लिया था ऑयल से, फिर हमने इसमें कोका पाउडर डाल दिया, वो कर लिया ग्रीस। उसके बाद हमने डाल दिया इसमें मिक्सचर, आधा मिक्सचर मैं पहले डालूँगी आधा बाद में डालूँगी, क्योंकि फिर वो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है। ये हमने ओवन में रखा, मेरा तो तकरीबन, वैसे तो लाइट की वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, पर ये बन जाता है 1.5 से 2 मिनट में बन जाता है। पर आप इसे चेक कर सकते हैं 1.5 मिनट बाद आप चेक करें किसी नाइफ से, किसी फॉक से, कोई भी नोकदार चीज़ से आप चेक कर सकते हैं इसे, कि अगर जब साथ लग जाए उसके, जिस चीज़ से भी आप चेक कर रहे हैं, तो मतलब कि रेडी नहीं है। जब ये देखें जिस तरह बिल्कुल खुश्क निकला कांटा, तो इट मींस कि ये बिल्कुल रेडी है, तैयार है, खाने के काबिल है। कोई स्मेल नहीं आती इसमें से, अंडे की कोई कुछ भी नहीं है। इसके बाद मैं आप लोगों को चॉकलेट ख़ुद घर में बनाने का तरीका भी बताऊंगी, जो मैंने इस केक में कवर की थी। उसके बाद मैंने घर में फोंडेंट बनाई थी, ख़ुद तैयार की थी, उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो बकाया हमारा मिक्सर बचा था हमने इसमें वो ऐड कर लिया है, और अब हम इसे फिर ओवन में रख रहे हैं, और ये अभी हो गया तैयार। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ओके, अल्लाह हाफिज़।